नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे एंड आई एम योर मेंटर शिवांश भसीन। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पांच स्टॉक्स के बारे में जो कि डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा बढ़िया देते हैं, प्लस डिविडेंड यील्ड के साथ उनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा है ईयर टू ईयर के बेसिस पे। यस गाइस, देखिए बात करते हैं, जो भी इन्वेस्टिंग प्रेफर करते हैं वो ज्यादातर इक्विटी या डिविडेंड जैसे स्टॉक्स ही प्रेफर करते हैं जो कि ज्यादा डिविडेंड यील्ड देते हैं। अगर हम बात करें वॉरेन बुफेट के बारे में तो वो भी डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स को प्रेफर करते हैं सबसे ज्यादा। क्या होता है, डिविडेंड यील्ड हम लोगों को एक पैसिव इनकम देती है। बाय चांस अगर कोई स्टॉक ईयर टू ईयर रिटर्न माइनस में दे देता है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक एक्स वाई जेड स्टॉक है एंड उसने 2% का माइनस ईयर टू ईयर रिटर्न दिया है, अगर हम बात करें उसके डिविडेंड यील्ड की और वो है 6% की, सो हम मान के चलेंगे कि 6% में से अगर -2% हटाएंगे तो 4% का रिटर्न हमें अभी भी वो स्टॉक देकर जा रहा है जो हमारी पैसिव इनकम हो जाती है। यस गाइस, सो इसके बेसिस पे मैं ऐसे पांच स्टॉक्स लेकर आया हूं जिसपे आपका जो अलग से रेट है इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो जो कि वो रिटर्न देती है ईयर ऑन ईयर वो पर्टिकुलर स्टॉक वो भी पॉजिटिव होगा, प्लस जो वो डिविडेंड देती है वो डिविडेंड भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ज्यादातर मैंने YouTube वीडियोस पे देख रहा था कि कौन से स्टॉक्स वो लोग प्रेफर करते हैं एंड क्या होता है बिहेवियर, सो मैं ज्यादातर देख रहा था वो लोग ना पीएसयू सेक्टर्स की कंपनीज को सबसे ज्यादा मोटिवेट कर रहे थे कि ऑयल इंडिया यार 12% का नेगेटिव रिटर्न ईयर टू ईयर दे रही है, 7% का डिविडेंड, 8% का डिविडेंड डील दे रही है, तब भी बंदा तो लॉस में ही निकलेगा। ठीक है, कोल इंडिया नेगेटिव रिटर्न दे रही है एंड डिविडेंड यील्ड अगर पॉजिटिव दे रही है कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, हमें क्या चेक करना है कि हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी भी पॉजिटिव होना चाहिए, हमारा डिविडेंड यील्ड अगर कम भी हो बट हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक होता है वॉलेटाइल, डिविडेंड यील्ड वॉलेटाइल इतना नहीं होता। आप पॉइंट समझ रहे हैं, सो डिविडेंड हमें मिल रहा है, स्टॉक नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, फायदा क्या हुआ। तो इसके बेसिस पे मैं ऐसे पांच स्टॉक्स लेकर आया हूं जिनका डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है एंड जिनका आरओई भी बहुत अच्छा है। तो ये सारा सिस्टम मैं आप लोगों को अपने ऐप के थ्रू लेकर जाता हूं ग्रो ऐप में एंड वहां पर मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम लोगों ने स्टॉक्स फाइंड करे हैं, उन दोनों के बारे में बात करेंगे, एक तो डिविडेंड यील्ड के बारे में एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सो ऐसे पांच स्टॉक्स सुनने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, चलिए चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ। तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि हम लोग अपने ग्रो ऐप के इंटरफेस पे आ चुके हैं एंड कुछ इस तरीके का आप लोगों को देखने को मिलता है। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टॉक की जो है पीएनबी गिल्ड्स। पीएनबी गिल्ड्स के बारे में बात करते हैं, सो लेट मी टाइप पीएनबी गिल्ड्स एंड नीचे हमें शो कर रहा है, लेट्स गो टू दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अब यहां पर हम लोग सारी चीजों को स्टडी करेंगे। देखिए डिविडेंड यील्ड इज इंपॉर्टेंट बट उसके साथ हमें वेरियस फैक्टर्स को भी देख के स्टॉक को परचेज करना चाहिए। ये नहीं कि डिविडेंड यील्ड 6% दे रहा है, स्टॉक का रिटर्न -18% है तो हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला उससे। ठीक है, सो यहां पर देखते हैं डिविडेंड यील्ड का 1 ईयर का मैं परफॉर्मेंस आप लोगों को दिखाता हूं एंड यहां पर आप चार्ट्स पे क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि हायर हाइज एंड हायर लोस की ही फॉर्मेशन पे ये पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर हायर हाइज एंड हायर लोस फॉर्म करता है तो स्टॉक पॉजिटिव होता है, बुलिश होता है। ठीक है, करंट प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट 50 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है एंड ईयर का उसका रिटर्न है 118%। ये एक साल का रिटर्न इसका 118% है। अब तो भाई अगर ये 20% भी डिविडेंड देती हो तो भी कोई फायदा नहीं है, बट अगर 118% का ये रिटर्न दे रही है, इट्स वेल एंड गुड स्टॉक। ठीक है, नीचे आते हैं एंड इसका 52 वीक हाई की बात करें तो ऑलमोस्ट 61 रुपीज की है, तो मतलब अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ये पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो कंपनी के स्टेटिस्टिक्स पे देखते हैं, मार्केट कैप इसका है 898 करोड़, तो मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, पीबी रेशियो है 0.62, मतलब प्राइस टू बुक अर्निंग रेशियो, एंड अगर प्राइस टू बुक रेशियो इसका 1 से नीचे है तो इट्स वेरी गुड। प्राइस टू बुक अगर 1 से कम होता है तो कंपनी अच्छी होती है। पी रेशियो की बात करते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो की तो 1.58 है, जैसे कि यहां पर आप लोगों को विजिबल है, एंड इंडस्ट्री का पीई है 24, यानी कि बहुत ज्यादा चीप में मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड जो कि इंपॉर्टेंट था उसी के लिए वीडियो बना रहे हैं, 6% का डिविडेंड यील्ड है। सो यानी कि अगर मैं आप लोगों के सामने कैलकुलेटर ओपन करता हूं, ठीक है, कैलकुलेटर ओपन करता हूं, 50 रुपीज का स्टॉक है और अगर मैं 6% से डिवाइड करता हूं इस पर्टिकुलर स्टॉक को, सो आप यहां देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3 रुपए का ये डिविडेंड भी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, 6% का डिविडेंड इसका प्रोवाइड करवाती है तो ये पर्टिकुलर स्टॉक बहुत अच्छा है। किस वाइज, रिटर्न वाइज भी बहुत अच्छा है, ईयरली बेसिस पे पीई रेशियो वाइज भी अच्छा है, पीबी रेशियो वाइज भी अच्छा है एंड और आगे चीजें भी दिखाते हैं, डोंट वरी। ठीक
ठीक है, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का इन द सेंस होता है कि उसके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड बुक्स को देख के पता लगाते हैं कि उस कंपनी की वैल्यू कितनी आती है, उस पर्टिकुलर स्टॉक की वैल्यू कितनी होती है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको 80 रुपीज शो कर रहा है, स्टॉक कितने पे ट्रेड कर रहा है, 50 रुपीज पे। तो क्या स्टॉक ओवर वैल्यूड है? नहीं, स्टॉक ये अंडर वैल्यूड है और आपको बहुत चीप में मिल रहा है, तो अभी भी आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो हर साल हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी जो मिलता है 38% का मिलता है, ऑलमोस्ट 38% प्लस 6% डिविडेंड यील्ड इज अ वेरी गुड स्टॉक। ठीक है, सो ये एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी है, एंड आई थिंक ये हमारा फर्स्ट स्टॉक बहुत अच्छा बैठा है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं, दैट इज सीईएससी। सीईएससी की बात करते हैं एंड इसका 1 ईयर का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है। आपको यहां पर जो करंट प्राइस शो कर रहा है 590 का, उसके नीचे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 22% का ईयर ऑन ईयर ये रिटर्न दे रही है। पिछले साल ही इसने 22% का रिटर्न दिया है। स्टॉक इज परफॉर्मिंग वेरी गुड। एंड हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो इसका 52 वीक हाई ऑलमोस्ट 735 एंड ऑलमोस्ट अपने उसके प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। आते हैं कंपनी स्टेटिस्टिक्स पे एंड आप देख सकते हैं कि 7,220 करोड़ या 29 करोड़ की कंपनी का मार्केट कैप है। इट्स वेरी गुड। पीबी रेशियो तब भी 1 रुपए से कम है, मतलब अभी भी अंडर वैल्यूड है ये पर्टिकुलर स्टॉक। एंड दीज आर द स्टॉक्स दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू कि आपका डिविडेंड यील्ड भी अच्छा, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत बढ़िया एंड सारी चीजें आपको अंडर वैल्यूड भी मिल रही है। ठीक है, बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 788 का बुक वैल्यू है। स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, 590 रुपीज, यानी कि अभी भी अंडर वैल्यूड है। अपने इंडस्ट्री के पीई रेशियो से भी कम चल रहा है तो अभी भी चीप मिल रहा है। बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की, तो 3.5% का डिविडेंड यील्ड है। सो लेट्स यूज आर कैलकुलेटर, चल कितने पे रहा है, 590 रुपीज पे। ठीक है, 590 रुपीज इंटू 3.39%, सो ऑलमोस्ट 20 रुपए तो ये हमें आराम से प्रोवाइड करा रहा है, जो हमारी एक अलग से पैसिव इनकम है जो कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के थ्रू हमें पर शेयर में मिल जाती है। ठीक है, बात करते हैं यार नेक्स्ट स्टॉक की, क्योंकि दो स्टॉक तो मैंने बहुत अच्छे बता दिए, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। सो दूसरी कंपनी की बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो भी हम डाटा देख रहे हैं, ये हम डाटा देख रहे हैं ग्रो ऐप से। सो ग्रो ऐप अगर आप लोगों ने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो आप लोग अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ये बहुत सिंपल है ग्रो ऐप, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यंगस्टर्स के लिए भी और ओल्ड एज के लिए भी बहुत बढ़िया है। और मैं आपको बताऊं तो मेरे पापा, मेरे मदर सबने ओपन ये करवा रखा है एंड उसी पे वो लोग अपना मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे अकाउंट ओपन करवाना बहुत ईजी है, आपको अपना पैन अकाउंट की डिटेल चाहिए होंगी, अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल चाहिए होंगी, केवाईसी के थोड़े बहुत डाटास आपको फिल करने पड़ेंगे एंड इंस्टेंट विद इन 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन होने के लिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जो क्वार्टरली या 6 मंथ या एनुअली बेसिस में जाते थे हर ब्रोकर्स के पास से, वो भी बिल्कुल फ्री है। सो अगर आप लोग इन्वेस्टिंग प्रेफर करते हैं तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस से भी आप लोग बच सकते हैं और ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। सो अगर अभी तक आप लोगों ने अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक प्रोवाइडेड है, उसके थ्रू आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक जो आता है प्रोबेबली आता है वेल्सपन कॉर्प। वेल्सपन कॉर्प की बात करते हैं तो इसका ईयर ऑन ईयर रिटर्न अगर बात करें तो पिछले साल की बात करते हैं तो 128% का रिटर्न दिया है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। 128% का रिटर्न गाइस, और ये स्टॉक बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। आप रैली देख सकते हैं, अभी भी अपने हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसका 52 वीक हाई बोलूं तो ऑलमोस्ट 164 रुपीज का, जो कि अभी करंट प्राइस से बहुत ज्यादा पास है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो इसके डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं। डिविडेंड यील्ड आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 7% का डिविडेंड यील्ड है। कितने का? 7% का डिविडेंड यील्ड है। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 91 रुपीज है, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 150 पे। सो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, मतलब तब भी स्टॉक बढ़िया परफॉर्म कर रहा है बिकॉज डिविडेंड यील्ड के बेसिस पे भी हम लोग बाय कर रहे हैं। ये जो पूरा फैक्टर आपको बताया जा रहा है, फैक्टर बताया जा रहा है ऑन डिविडेंड यील्ड बेसिस प्लस रिटर्न ऑन इक्विटी के बेसिस पे। ठीक है, इंडस्ट्री की पीई की बात करें तो ऑलमोस्ट 11.11 का है और पीई रेशियो इस पर्टिकुलर कंपनी का 4 है, जो कि बहुत सही है। ईपीएस आप देख सकते हैं, टीटीपी का मतलब होता है ट्रेलिंग ईयर का। ठीक है, यहां पर 34 है एंड आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि 37% है, विच इज वेल इनफ। ठीक है, कंपनी की बात करते हैं तो ये कास्टिंग एंड फोर्जिंग कंपनी है एक बेसिकली, एंड ये 1995 पे इनकॉर्पोरेट हुई थी।
ठीक है, तो तीन कंपनियों की हमने ऑलरेडी बात करती है। लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज सोनाटा सॉफ्टवेयर, जो कि मेरा पहले से भी बहुत फेवरेट स्टॉक रह चुका है। ठीक है, इस कंपनी की बात करते हैं। देखिए ये पर्टिकुलर स्टॉक मेरे पास बहुत पहले से भी पड़ा हुआ है, एंड इस कंपनी के रिटर्न के बारे में बताऊंगा तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। करंट प्राइस है 573 का, रिटर्न जो इसने पिछले साल दिया वो दिया है 232% का रिटर्न। कितने का? 232% का रिटर्न ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका है। ठीक है, नीचे आते हैं, थोड़ा स्क्रोल करते हैं, एंड यहां पर आप देखिएगा डिविडेंड यील्ड है इसका 3.54%, एंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है इतने में, तो मतलब 20 रुपए ही मान के चल लेते हैं, 20 रुपए का ही डिविडेंड प्रोवाइड कराता है ऑन ईयरली बेसिस। रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करिए, 40% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, विच इज वेल इन गुड। ठीक है, एंड ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके बारे में बात करें तो ये एक आईटी सॉफ्टवेयर के अंदर है, और आपको पता है कि आईटी में कितनी ज्यादा बूम चल रहा है अभी, और कितने ज्यादा हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से चाइना का भी जो भी टेक्नोलॉजीज थी जो बाहर की थी वो यहां पर बनना स्टार्ट हो रही है, एंड यहां पर भी हम लोग रैपिड ग्रोथ देख रहे हैं। तो आईटी सेक्टर, आईटी सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा बढ़िया हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि आप लोग डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। सो एनी डिप इन दीज पर्टिकुलर स्टॉक्स इज अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। ठीक है, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉक, विच इज द लास्ट स्टॉक जिसके हम लोग बात करने वाले हैं, विच इज हिंदुस्तान जिंक। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड, जेड आई। ओके, हिंदुस्तान जिंक के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। या हिंदुस्तान जिंक आ चुका है, एंड इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कंपनी के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले चलते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी इज ऑलरेडी मेकिंग इट्स हायर हाइज एंड हायर लोस। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ऑलमोस्ट 90% का रिटर्न दिया है इसने ईयर बेसिस पे, पिछले साल ही दिया है। एंड करंट प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट 294 रुपीज पे पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नीचे आते हैं, एंड यहां पर आप देखते हैं डिविडेंड यील्ड, सबसे पहले तो 5.5% का डिविडेंड यील्ड है। स्टॉक की प्राइस की बात करें तो 300 रुपीज के आसपास चल रहा है। ठीक है, सो यहां पर हम लोग डिविडेंड यील्ड चेक करें, 300 रुपीज इंटू 5.60%, सो ऑलमोस्ट 16 रुपए ये हम लोगों को प्रोवाइड करवा रहा है, 16 रुपए हम लोगों को प्रोवाइड करवा रहा है ऑन डिविडेंड बेसिस, ऑन ईयरली बेसिस। एंड अगर मैं बात करता हूं इस पर्टिकुलर स्टॉक के आरओई के बारे में तो ऑलमोस्ट 17% का रिटर्न ये यहां पर भी प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, एक लार्ज कैप कंपनी आप देख सकते हैं, एक लार्ज कैप कंपनी है एंड बहुत बढ़िया कंपनी, आई थिंक यहां पर आप लोग बाय कर सकते हैं। देख सकते हैं कि मेटल ऑलरेडी अपने पीक पे है, मेटल के प्राइसेस, कमोडिटी मेटल के प्राइसेस ऑलरेडी इंक्रीज कर रहे हैं ऑन अ मंथली बेसिस, एवरी टाइम वो बार बार इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी भी थोड़ा सस्ता मिल रहा है, आप इसे डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, सो आई होप मैंने आप लोगों को यहां पर 5 स्टॉक्स बता दिए होंगे जिसपे आप लोगों की एनालिसिस बहुत ज्यादा अच्छी गई होगी, एंड यहां पर आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दीज पर्टिकुलर स्टॉक्स ऑन एनी डिप अकरिंग, और मार्केट अभी वीक है तो जो भी डिप आती है एक्यूमुलेट दीज पर्टिकुलर स्टॉक्स। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना डोंट भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करेगा कि वो भी कुछ पैसिव इनकम साइड बाय साइड अर्न कर सके। अपने फैमिली मेंबर्स पे आप अपनी मदर को भी बोल सकते हैं कि इन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि उनके पास भी कोई पैसिव इनकम रह पाए, हाउसवाइफ्स के पास, कि वहां पर भी उन लोगों को थोड़ा सा थोड़ा प्रॉफिट जनरेट होता रहे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने कोई भी अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो आप इस ग्रो ऐप के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सारी कंपनी के स्टैटिस्टिक्स, कंपनी के ब्रांड्स, अबाउट द कंपनी, फाइनेंशियल्स, सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर सिंगल स्क्रोल के अंदर प्रोवाइडेड हो जाती है। सो आप इस पर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे आपको मैंने लिंक प्रोवाइड करवाया हुआ है जिसके थ्रू आप ज़िरग्रो ऐप में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। विद इन 10 मिनट्स के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, और आप 10 मिनट्स के बाद ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। एक इस पे एक और अच्छी चीज आने वाली है जिसपे हम लोग देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी आने वाला है। यूएस स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हो, गोल्ड एंड एवरीथिंग ये इंक्लूड कर रहे हैं। एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऐप है और बेस्ट ट्रेडिंग ऐप भी ये बनने वाला है। सो गाइस डोंट फॉलो दिस पर्टिकुलर, जो भी हम लोग देख रहे हैं कि मल्टीपल ट्रेडिंग एप्स बन रहे हैं, फॉलो दिस, ज्वाइन दिस और डाउनलोड दिस पर्टिकुलर ऐप, और यहां पर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं आप लोगों से, आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स, मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो पे। मैं शिवांश भसीन साइनिंग ऑफ।